माय नेम इज़ अंकुर बंसल। मैं एमएफए फर्स्ट ईयर पेंटिंग स्टडी कर रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़ से। एंड हमारी कॉलेज की एनुअल आर्ट एग्जीबिशन, उसमें मैंने अपना एक ये काम डिस्प्ले किया है जिस विच इज़ एंटाइटल्ड एनलाइटनमेंट, दैट मीन्स विजडम और नॉलेज। इसमें मैंने हमारे आर्ट हिस्ट्री के प्रोफेसर अमित सर को पोर्ट्रे किया है, जिसमें कि ऑन द राइट साइड ऑफ इट आई पेंटेड कॉरिडोर टू सजेस्ट द कोरिलेशन बिटवीन द टू, एंड ऑन द लेफ्ट इज़ द डांसिंग शिवा, द स्कल्पचर रिलीफ फ्रॉम एलोरा टू सजेस्ट। एक्चुअली व्हाट फैसिनेट्स मी मोस्ट अबाउट सर इज हिज एक्सपर्टीज इन द सब्जेक्ट ही इज़ नोन फॉर। तो ये एक ऑयल पेंटिंग है, आई प्राइमरीली डू प्लेन एयर लैंडस्केप जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। आई बेसिकली वर्क ऑन द आई ऑब्जर्व शेप्स एंड स्पेसिस। सबसे ज़्यादा फैसिनेट जो मुझे करते हैं वो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पेसिस को जो हम ज्वाइन करके एक पिक्चर प्रिपेयर करते हैं। दैट आई एम इंस्पायर्ड दिस फॉर दिस फ्रॉम द चेस, जिसमें कि हमें अगर सपोज वी आर सपोज टू पेंट ब्लैक स्क्वेयर्स, एंड वेन वी पेंट इंस्टेड ऑफ पेंटिंग ब्लैक स्क्वेयर्स वी आर डूइंग वाइट स्क्वेयर्स, एंड द ब्लैक स्क्वेयर्स आर ऑटोमेटिकली फॉर्म्ड। दैट आई लव टू ऑब्जर्व इन द नेचर अराउंड। अगर हम नेगेटिव स्पेसिस को पेंट करें एंड पॉजिटिव स्पेसिस अपने आप उसमें से इमर्ज होते हैं उसके। आई बेसिकली वर्क इन अदर मीडियम्स एज वेल अलॉन्ग विद ऑयल। आई डू इन एक्रेलिक एंड चारकोल एंड वाटर कलर। वाटर कलर इज माई फेवरेट फॉर प्लेन एयर स्पेशली बिकॉज ऑफ इट्स स्पॉन्टेनिटी एंड द ट्रांजियंस ऑफ द नेचर गो वेरी वेल। चारकोल स्पेशली विलो चारकोल इज माई फेवरेट ड्रॉइंग मीडियम बिकॉज ऑफ द फ्रीडम दैट इट प्रोवाइड्स टू द अप्लायर। बिकॉज इसमें हम बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस काम कर सकते हैं, बहुत क्विक, बहुत फ्रीली शेप्स को इंकल्केट करना, वो बेस्ट विलो चारकोल में होता है। सो आई हालांकि वो थोड़ा सा फ्रेजाइल मटीरियल है, थोड़ा फ्रेजाइल मीडियम है, बट द वर्क द आउटकम दैट इट सजेस्ट इज वेरी मर्समराइजिंग। अब मैं उन सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करता हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा फैसिनेट करते हैं। स्पेशली मुझे कोई बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग सब्जेक्ट्स जो है वो कभी भी इंस्पायर नहीं करते। यूजुअली नॉर्मल सब्जेक्ट्स बेसिक जो टू सम अप एवरीडे थिंग्स जो हम रोज़मर्रा में देखते हैं, जो सबने कभी ना कभी देखी है, ऑब्जर्व किया, बट कभी भी उसको नोटिस नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक मेरा चारकोल वर्क है विच इज़ एंटाइटल्ड वेजेस, जिसमें मैंने एक ट्रैक्टर बनाया है, तो वो चीज़ सबने देखी होती है बट हमने कभी उसको रुक के ऑब्जर्व नहीं किया। तो जब हम उसी चीज़ को पेंटिंग में या किसी भी आर्टवर्क की फॉर्म में देखते हैं एंड इट रिमाइंड्स अस ऑफ समथिंग, इट टेक्स अस टू द मोमेंट दैट वी हैव बीन टू व्हेन द पिक्चर वॉज देयर। तो उस तरह के सब्जेक्ट मेरे को बहुत फैसिनेट करते हैं, और जब वो व्यूअर को उस जगह पर ले जाता है जो चीज़ हम डिपिक्ट करना चाहते हैं, जो जो उस जो व्यूअर उस जगह से कभी ना कभी पास ऑन हुआ होता है, तो वो चीज़ वो वर्क मेरे को लगता है दैट इज़ अ सक्सेस। थैंक यू वेरी मच।